हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही स्पेशल जगह जा रहे हैं और बहुत अच्छी जगह जो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत फेमस है। तो दोस्तों, मैं तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया हूँ। बाहर धूप भी बहुत प्यारी सी आई हुई है और मौसम भी बहुत अच्छा है आज। तो वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है और पूरा सा पूरा नेपाल बॉर्डर वहाँ से दिखता है। धूप तो ऐसी आँख ही नहीं खुल रही है। तो ताई जी भी तैयार हो गई हैं, पहले ताई जी तैयार नहीं थी। पहुंचने वाले हैं शोभित लोग भी 10-15 मिनट में, तो फटाफट से निकलते हैं वहां से। तो व्लॉगिंग करना भूल गया, यहाँ आगे कर रहा है। तो भाई शोभित तो आ गया फटाफट, हम लोग अब रेडी होते हैं, निकलते हैं। ताई जी भी रेडी हैं, ये रहा। वो अपना कैमरा ऑन करना भूल गया। ये क्या पहन के आया हुआ है? तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, पीछे से ही आ रहे हैं। तो अब मिलते हैं सीधा कार में, कार ड्राइव करके सीधा निकलते हैं। और शायद अब व्लॉगिंग का मौका ना मिले, क्योंकि फिर से जिया जी साथ हैं, तो वो सीधा पहुंच के करेंगे। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं पूर्णागिरी धाम, जो टनकपुर से 20 किलोमीटर दूर है और एकदम नेपाल बॉर्डर के पास में है। तो नीचे हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग कर दी है और यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं दीदी लोग। ये यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं। पूर्णागिरी की एंट्रेंस में आ चुके हैं। यहाँ पर भी बंदर है, वृंदावन की तरह। तो गाइस अभी हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, पीछे हैं ताई जी और दीदी, आगे हैं शोभित और जिया जी, आगे आगे चल रहे हैं। यहाँ आने के लिए कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, और वो भी सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ। ये क्या कर रहा है? अभी हमने सिर्फ आधा रास्ता कवर करा हुआ है, अभी और भी है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा था जी? बहुत ही बढ़िया। तो सब लोग काफी मजे कर रहे हैं, शोभित और जी। जोर से बोलो जय माता दी। सब लोग काफी मजे कर रहे, आगे आगे चल रहे हैं, मैं इन लोगों को लेके चल रहा हूँ। हाँ दिखा दिया। ये ना मेरा कंटेंट चोरी करने में लगी हुई है, नीचे से जहाँ मैं शूट कर रहा हूँ वहीं कर रही। तो भाई अभी सबकी हालत बहुत टाइट है, सहारा ले लेके चल रहे हैं ऊपर। शोभित लोग तो निकल गए आगे, तो नीचे से ऊपर आने तक एक सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। क्या नाम है बेटा आपका? बोल ही नहीं रहा। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी मंदिर की मेन चढ़ाई में, पीछे से शोभित लोग आ रहे हैं और काफी थक गया है शोभित तो, ये काफी थक गए हैं नीचे। तो गाइस यहाँ से व्यू ऐसा है कुछ, ये अपना इधर इंडिया है, वो जो नदी दिख रही है उसके दूसरी साइड है नेपाल,
तो ये मंदिर चढ़ते हुए वहां से है व्यू। तो अभी तो हम लोग चढ़ ही रहे हैं, अभी मंदिर की जो मेन चढ़ाई है वो हमने आधी कवर करी है। शोभित भी अपना ब्लॉग शूट कर रहा है यहाँ पे। तो भाई जैसे जैसे हम लोग ऊपर पहुंचते जा रहे हैं व्यू और अच्छे होते जा रहे हैं वैली के। ये अपना इंडिया है, वो वहां से हम लोग चल के आए थे। और जो रोड आ रही है वो नीचे से वहां दिख रही होगी आपको, वो रोड आ रही है वो सुविधा यहाँ से यहाँ। और ये अपना उधर नेपाल वाला एरिया, ये पूरा इंडिया है अपना। तो ये माता पूर्णागिरी के रास्ते से ही ये व्यू है। यहाँ पे व्लॉग करने में ना एक प्रॉब्लम ये है कि बंदर घूम रहे हैं तो वो कैमरा भी छीन सकते हैं हाथ से, तो थोड़ा सा डर लग रहा है। बाकी ये लोग चल रहे हैं ऊपर। ये ताई जी हैं, वहाँ दीदी शोभित और जिया जी। यहाँ से नीचे एकदम खाई है, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। सबकी हालत खराब है पीछे, जोर से बोलो जय माता दी। शोभित तो पहुंच गया ऊपर, हम लोग अभी आधे में हैं क्योंकि ताई जी बहुत स्लो आ रही है ना, तो उनके लिए हम रुक रुक के चल रहे हैं। और ये भी ये पीछे ना शोभित का व्लॉग शूट करने वाला लगी हुई है। शोभित को तो आगे भेज दिया और उसका व्लॉग ये शूट कर रही है। क्या शूट कर रहा इधर से? हाँ जी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। गाइस ऊपर है मंदिर, मेन मंदिर। हाँ। यहाँ से जाने के लिए बना रखा है और ये रास्ता जो है ये वापस जाने के लिए है। पहले यही एक रास्ता हुआ करता था, तो जब यहाँ भीड़ बढ़ने लगी तो अब दो रास्ते कर दिए हैं। वहाँ से वापस जाने का है और यहाँ से मंदिर के अंदर जाने का। ये पूरा बैरिकेडिंग कर रखी है ताकि नीचे बहुत ज़्यादा गहरी खाई है, बहुत ज़्यादा गहरी खाई है नीचे, तो इसलिए बैरिकेडिंग कर रखी है। शोभित पहले तो थक चुका था बहुत, अब बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। हम लोग मंदिर के एंट्रेंस में हैं और मंदिर में एंटर कर ही रहे हैं। अब मेरे पीछे जो पहाड़ियां देख रहे हैं ये नेपाल की पहाड़ियां हैं। वो पीछे पूरा नेपाल है वहाँ, और ये अपना इंडिया। तो चलते हैं फटाफट मंदिर में, हो सकता है मंदिर में वीडियो बनाने को ना मिले। वैसे बनानी भी नहीं चाहिए मंदिर में वीडियो। हम लोग वो वहाँ से आए थे यहाँ से होते हुए, और ये यहाँ से व्यू है। तो ये अब हम लोग मेन मंदिर में है। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है ऊपर। एकदम टॉप में ये बंदर फोन छीन लेते हैं। गाइस यहाँ पर बंदरों का इतना ज्यादा खतरा है ना, कब फोन छीन ले जाए कुछ पता नहीं है, तो इसलिए मैं फोन पकड़ के रखता हूँ यहाँ। ये रहा अपना मेन मंदिर। तो गाइस अब यहाँ पे मैं ज्यादा व्लॉग नहीं करूँगा। तो नदी के जो इधर की साइड है ये इंडिया है, और ये जो है नेपाल है, और बीच में ये माँ शारदा नदी है, और ये जो व्यू है माँ पूर्णागिरी धाम से है। तो आप लोग देख सकते हो ये सामने पूरा नेपाल है, और ये अपना इधर की साइड इंडिया है, और ये माँ पूर्णागिरी का धाम एकदम चोटी में बसा हुआ है, एकदम पहाड़ी की टॉप में। ये व्यू आप लोग देख लो।
तो मुख्य मंदिर यहाँ पे है, काफी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से वैली का। तो गाइज अभी हम लोग मंदिर से निकल गए हैं, तो जितना सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आए उतनी उतरनी भी है नीचे। पीछे शोभित ये लगा हुआ है यहाँ। आज तो यहाँ पर मंदिर में भीड़ नहीं थी, बहुत कम भीड़ है। वैसे यहाँ पे विजिट करने का टाइम ही है, आप लोग सर्दी में आके घूम सकते हो, सर्दी में और दिसंबर जनवरी के टाइम पे। क्योंकि अगर गर्मियों में आते हैं, गर्मियों में मेले का टाइम रहता है तो बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं होती यहाँ पे। तो आजकल तो काफ़ी अच्छा है, पूरा खाली खाली है। तो अगर मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार ज़रूर यहाँ पे माँ पूर्णागिरी के धाम ज़रूर आएँ। माँ पूर्णागिरी का जो धाम है ये टनकपुर से अराउंड 20 से 25 किलोमीटर है, एक सवा घंटे की ड्राइव है और एकदम बॉर्डर पे है। यहाँ से आप वैली का व्यू ले सकते हो, नेपाल वैली, नेपाल पूरा दिखता है यहाँ से। नेपाल तो पूरा नहीं दिखता बट बॉर्डर है, तो बॉर्डर बीच में जो पार्टीशन है वो नदी का है, तो नदी के इस साइड इंडिया है, उस साइड नेपाल है। और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो ट्रेन भी है, नियर बाई रेलवे स्टेशन जो है टनकपुर है, तो आप लोग आ सकते हो यहाँ पे, बहुत अच्छा है। और ऊपर जाके सुकून मिलता है एकदम से, जहाँ पे माता का मुख्य मंदिर है वहाँ से नीचे जो काली नदी बहती है एकदम गहरी खाई है, तो इसीलिए यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है इस तरीके से ताकि कोई दुर्घटना ना हो। हो सकता है किसी को चढ़ाई चढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट एक बार ही ऊपर पहुंच जाते हैं तो काफ़ी अच्छा फील होता है। तो हम लोग ऊपर माता के दर्शन करने के बाद नीचे भैरव बाबा के दर्शन करने आ गए हैं। कहते हैं कि माता के दर्शन के बाद बाबा के दर्शन बहुत ज़रूरी होते हैं। ये रहा मंदिर, फटाफट से दर्शन कर लेते हैं। तो भैरव बाबा के दर्शन हो गए हैं, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं पार्किंग की तरफ। जहाँ मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ वहीं ये भी शूट कर रहा हूँ। तो अपनी यात्रा तो सफल हो गई, हम लोग वापस आ गए मंदिर से। कैसा लगा पूर्णागिरी की यात्रा करके? बहुत अच्छा। तो दोस्तों अभी तो मैं पार्किंग के पास पहुँचने वाला हूँ जहाँ मैंने कार पार्क करी थी, और पीछे से आ रहे हैं दीदी और ताई जी, शोभित और जीजा जी आगे निकल गए हैं। तो काफ़ी अच्छी यात्रा रही यहाँ पे। तो गाइस अभी हम लोग निकल गए, अपनी कार पार्किंग में पहुँच गए, तो सारे लोग बैठ गए गाड़ी में, ये रहे। तो निकलते हैं फिर करते हैं ब्लॉग आगे, सब पैक हैं। दोस्तों ये जो मेरी वीडियो थी, ये वीडियो हमारी घर से माता पूर्णागिरी के धाम तक की थी। इसमें हमने पूरा माँ पूर्णागिरी धाम का जो ट्रिप था वो कवर किया हुआ है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी थी इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके फर्स्ट पार्ट में आप माँ पूर्णागिरी धाम के दर्शन कर सकते हैं, और जो इसका सेकंड पार्ट होगा तो सेकंड पार्ट में आप हमारा रिवर साइड व्यू, वैलीज़ के व्यू, और नेपाल बॉर्डर के पास, इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास में जो व्यूज़ आते थे वो व्यूज़ मैंने उसमें कवर किए हैं। आप लोग सेकेंड पार्ट भी ज़रूर देखना, और तो सेकेंड पार्ट इसका मैं डालूँगा कल। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।